दोस्तों सबसे खूबसूरत नज़ारा आमेर फोर्ट का यहाँ से दिखता है। ये हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रोहित कुमार एंड यू आर वाचिंग गैलेक्सी ऑफ रोहित। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको घुमाने वाला हूँ जयपुर का आमेर फोर्ट। आपको क्या घुमाऊं, मैं तो खुद घूमते घूमते थक गया। इतना बड़ा है ये कि क्या बताएं। जिसने भी बनवाया होगा बड़े शौक और शिद्दत के साथ बनवाया होगा इस फोर्ट को। ऊपर आने के बाद नज़ारा दिखता है ऐसा। यार अब मुझे समझ में आया है कि पुराने ज़माने के लोग जो थे वो इतना फिट कैसे रहते थे। लिटरली हमारे पैर इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि क्या बताएं। अभी वो बाकी है चढ़ना, वो ऊपर
ऊपर जाने के बाद तो हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन आगे चलते हैं, फिर आगे का दिखाते हैं आपको। गलियां इतनी संकरी है कि उतरते उतरते हमारी हालत खराब हो गई। एक इधर जाती है, एक इधर जाती है और एक इधर से आती है। और ये खूबसूरत सा नजारा, ये देखो यार, आप ये नजारा देखो। इस महल में यार आपको सारे रंग देखने को मिल जाएंगे, हरा, नीला, सफेद, मतलब कितना खूबसूरत ये महल है मैं आपको बता नहीं सकता। अभी तो मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, आगे दिखाते हैं। ये है इस महल के झरोखे जहाँ से हवाएं आती थी। तो ये है आमेर फोर्ट जयपुर की खूबसूरती, और भी दिखाते हैं आगे। दोस्तों अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी तो इस लोकेशन से आप अपने आप को लोकेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि जोधा अकबर जो मूवी है वो इसी जगह पे शूट हुई है। दोस्तों ये है शीश महल, कितना खूबसूरत बनाया गया है, आप देख सकते हो पूरा शीशे का। ये जितनी भी दीवारें हैं सारी शीशे की बनाई गई हैं। गली देखो यार, इस गली में लोग कैसे आते होंगे। निकल गए हम इस जगह पे। इस जगह दोस्तों सबसे खूबसूरत नजारा आमेर फोर्ट का यहाँ से दिखता है। ये यार ये वाली गेट तो मैंने दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, ये वाली। अभी हम घूम फिर के फिर वापस यहीं पे आ गए, पता नहीं किधर से रास्ता है एग्जिट का, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखो जो बड़ा सा बाउल है, तो अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी तो उस मूवी में ऐश्वर्या राय जो खाना बनाती है वो इसमें बनाती है। और एक यहाँ पे है ये बड़ी सी कढ़ाई। दोस्तों हम आपको लेके चल रहे हैं आमेर फोर्ट के सुरंग में। यार कितनी गहराई में है ये टनल, कितना अंधेरा है नीचे, दिखा रहा हूँ मैं आपको पूरा।
चलो चलो, ये है टनल आमेर फोर्ट का नीचे से। पहले यहाँ पे मशालें जलती होंगी, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट लगा दी गई है। और ये देखो आप, इधर है और ये है नीचे। ये है टनल, अंडरग्राउंड टनल। ये जो सारी लाइट्स दिख रही हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो बाद में लगा दी गई हैं। पहले तो यहाँ पे मशाले जला करती थी। अगर आप गौर से देखो तो ये यहाँ की जो लाइट्स हैं उनका जो शेप है वो एकदम मशालों की तरह है। आगे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया, हो सकता है ये इसके आगे कुछ हो नहीं इसीलिए ब्लॉक कर दिया गया हो, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है। तो ये लास्ट है दोस्तों, हम अभी भी टनल में घूम रहे हैं लगभग 15 मिनट से। ये देखिए यहाँ पे लाइट्स लगाई गई है नीचे, और ये कितना अंधेरा है फिर भी यहाँ पे सर झुका के चलना पड़ रहा है। पता नहीं ये टनल कहाँ निकलती है। ओह ये देखो कितना ऊपर है। दोस्तों इट्स टाइम टू ट्रैक। अब क्या, अब आ गया है टाइम पहाड़ चढ़ने का। ऊपर से दिखाते हैं आपको आमेर फोर्ट कैसा दिखता है पहाड़ पर से। फिलहाल तो ये देखो, बहुत बड़ा यार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही समझ लो इसे। फिलहाल तो हम इतने में थक गए। पैरों की हालत कैसी है? दोस्तों हम अभी आ रहे हैं उधर से जिधर टनल था, और अभी जा रहे हैं इधर पहाड़ों पे। फिर ऊपर से आपको पहाड़ पर से दिखाते हैं पहाड़ का नज़ारा। फिलहाल तो हम सारे लोग इतने में ही थक गए हैं और कर रहे हैं हम विश्राम बैठ के और पानी पी के। हाँ चलो चलते हैं। यार अगर इतने में ही ये हालत रहा तो मैं लद्दाख में बाइक राइड कैसे करूँगा। मुझे लगता है मेरा वो वाला प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, बाइकिंग वाइकिंग की प्लान कैंसिल। हाँ थक गए। कोई आए और यार एक ग्लास कोका कोला ऑफर कर दे, मजा आ जाए कसम से। दोस्तों टनल से निकलने के बाद क्या दिखता है, ये खूबसूरत सा नज़ारा। ये इधर से उस जमाने में हाथियां आती होंगी। यहाँ पे पुलिस वाले अंकल ने हमें ठंडा सा पानी पिलाया। और ये ऊपर हमारा
इंडियन फ्लैग लगा हुआ है जो दूर से देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी ऊपर चढ़ के दिखाते हैं, अभी तो बहुत ऊपर चढ़ना है। ये देखो रोड्स कैसे हैं, सब उस जमाने के हैं। इंडिया की चढ़ाई हो चुकी है शुरू और हम अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं। नजर जितनी ऊपर जा सकती है उतना ऊपर है ये। अभी तो बहुत दूर जाना है, इधर से हम आए हैं और इधर जाना है। चलो चलो यार, ये पत्थर देखो कितने स्ट्रॉन्ग है। वाओ दोस्तों, एक खूबसूरत नजारा किसे कहते हैं दिखाऊं? 3, 2, 1। पूरा पहाड़ है ये, इतना भी दिख रहा है। और ये नीचे इतनी खाई, और वो जो हम महल में घूम रहे थे वो महल है वहां पे, वो है वो महल। कैमरे का एंगल नीचे इसलिए है क्योंकि मैं हो चुका हूँ बहुत ज्यादा थक। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, इतना घुमाया काफ़ी नहीं है क्या? लाइक तो करना है नहीं वीडियो, इतना ही घूम। वाओ क्या नज़ारा है यार, लिटरली ये बैक कैमरे से दिखाता हूँ अच्छे से। ये है विलास मंदिर और यहां से नजारा दिखता है ऐसा। ये है विलास मंदिर का नजारा। वो है रोड, देख लो आप कितनी छोटी छोटी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। दोस्तों जोधा अकबर मूवी की बहुत सारी सीन यहाँ पे शूट हुई है, आप अगर ध्यान से देखो तब समझ पाओगे ये सारी जगह। ये अभी अंदर एक जगह थी जहाँ पे ऋतिक रोशन बैठ के अपनी जनता से बात कर रहे होते हैं, तो वो वाला सीन था, लेकिन वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी सारी ये जगह है दोस्तों। ये हैं पुराने ज़माने के कुछ यंत्र जिनका यूज़ पहले के ज़माने के लोग किया करते थे। ये बड़े बड़े ड्रम, ये इसे उस ज़माने में नगाड़ा बोलते थे। ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हैं। दोस्तों ये हैं उस ज़माने की आर्मरी, उस ज़माने के हथियार हैं ये सब।
ये पिस्टल्स हैं कुछ उस जमाने के, और ये शायद तोप को ले जाने के लिए यूज किया जाता होगा ये व्हीकल। और ये था ढाल, ये था फेस कवर करने वाला हेलमेट टोपी, ये है तोप उस जमाने का, ये तीर ढाल, और ये है कुछ धनुष। एक तोप यहाँ भी है, ये था उस जमाने का कवच, पूरा लोहे का बना हुआ है, ये देखो। ये कुछ परशु मंत्र, ये कुछ बड़े वाले हथियार, ये सब तोप और बड़े हथियार रखे हुए हैं यहाँ पे उस जमाने के। यहाँ पे रखा हुआ है तलवार, ये सब उस जमाने के तलवार हैं। ये कुछ उस जमाने के छोटे छोटे उपकरण, और ये है तीर उस जमाने के, ऐसे तीर हुआ करते थे। और ये है तरकश, मैंने भी पहली बार तरकश देखा है, ऐसे होते यार। ये देखो, ये है 17वीं शताब्दी के टाइम बॉम्ब, और ये है बारूद जांचने की मशीन, और ये उस जमाने के रॉकेट्स हैं 17वीं शताब्दी के। ये बंदर सबके साथ खेलते हैं और किसी को भी परेशान नहीं करते हैं, ये सब हमेशा यहीं पे बैठे रहते हैं, ये देखो आप। यार ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम इस किले को, इस महल को एक दिन में घूम लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है ये। और हम अभी आ गए हैं टॉप पे, टॉप से नज़ारा ऐसा दिखता है, ये देखो नज़ारा। थोड़ा आगे और चलते हैं उधर ऊपर। दोस्तों ये देखिए नज़ारा यहाँ से, ये यहाँ पे आपको मोर दिख जाएंगे, ये हैं मोर, तीन मोर वहाँ पे दिख रहे हैं। अरे तीन ही नहीं, वहाँ पे तो बहुत सारे मोर हैं। आगे कितना खूबसूरत नज़ारा ये आमेर फोर्ट का टॉप से, ये है आमेर फोर्ट का टॉप से नज़ारा, सबसे ऊपर से ऐसा दिखता है। दोस्तों आपके समक्ष पेश है जयवाण तोप, इसको चलाने के लिए 100 किलोग्राम बारूद भरा जाता था इसमें, और इसकी मारक क्षमता थी 22 मील उस जमाने में। दोस्तों अगर आप कार से आना चाहते हैं टॉप पे तो आप कार से भी आ सकते हैं, जैसे ये देखो आप कार, ऐसा रास्ता है कि यहाँ पे हाथी घोड़े ऊंट कार हर चीज आ सकता है, बेसिकली इन सब चीजों के लिए ही बनाया गया था ये। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और वीडियो अच्छा हो लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबा हुआ हो तो मैं इसको दो पार्ट में अपलोड करूं, तो अगले पार्ट के लिए वेट करना। यार बहुत ज़्यादा थक गए इस किले को घूमते हुए, आमेर फोर्ट को घूमते हुए, और फिलहाल हम थोड़ी देर और घूमेंगे,
उसके बाद जाते हैं हम अपने रूम पे। तब तक के लिए बाय।